अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई मोहम्मद तारिक। आज के वीडियो में मैं आपको प्राइवेट स्विच के बारे में समझाऊंगा। प्राइवेट स्विच हम हाइपर वी के अंदर इस्तेमाल करते हैं। हाइपर वी में हम प्राइवेट स्विच कैसे बनाएंगे? स्विच के हमारे पास तीन टाइप्स है। हाइपर वी के अंदर तीन टाइप के स्विचेस अवेलेबल है। एक स्विच है प्राइवेट, दूसरा है इंटरनल और तीसरा है एक्सटर्नल। इन तीनों स्विचेस पे मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, साथ एक लॉजिकल लैब बनाऊंगा और एक फिजिकल यानी प्रैक्टिकल लैब जो है वो मैं बनाऊंगा। लेकिन मैं जो लॉजिकल लैब या सिमुलेशन में काम करने जा रहा हूं वो मैं पैकेट ट्रेसर इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि आपको एक डेमो भी दिखानी है और फिर उसको हमने रियल प्लेटफॉर्म में भी काम करना होगा। तो इस लिहाज से आपको ये चीज़ ज़रा गौर से ऑब्ज़र्व करने, वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप देखा करें, वीडियो को आप सही तरीके से अपने साथ रखा करें और अपने मकाम या गोल तक अपने आप को पहुंचाएं, जिस तरह मैंने अपने आप को मकाम और गोल तक पहुंचाया है और आप तक ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूं, इस तरह आप लोग भी इसी तरह करें। सो कम टू द टॉपिक, आज हम एक प्राइवेट नेटवर्क बना रहे हैं, जिस तरह हम स्विच बनाएंगे। मैं पैकेट ट्रेसर में स्विच बनाऊंगा, उसके साथ दो कंप्यूटर्स कनेक्ट करूंगा, फिर उस कंप्यूटर की मैं कनेक्टिविटी करूंगा, आईपी एड्रेस दूंगा। ये पूरा प्रोसीजर आप यहाँ पैकेट ट्रेसर में भी देखेंगे और रियल हाइपर वी के ऊपर भी आप देखेंगे। तो कम टू द टॉपिक, यहाँ मैंने एक स्विच लिया और यहाँ से मैंने स्विच क्रिएट कर दिया। पहले तो मैं आपको स्विच के बारे में बता दूँ। स्विच एक इंटरकनेक्टिव डिवाइस है जिसके ज़रिए हम एक लैन बनाते हैं, सारे कंप्यूटर और स्विच के ज़रिए हम कनेक्ट करते हैं। स्विच की फंक्शनैलिटी ये है कि जब भी हमने किसी डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सेंड करना है तो वो स्पेसिफिक कंप्यूटर तक अपना मैसेज जो है वो सेंड करता है, वो ब्रॉडकास्टिंग नहीं करता। और ये इंटेलिजेंट डिवाइस है। स्विच की जो अपनी कंप्लीट डिटेल है, डेफिनेशन है, वो इंशाल्लाह वो मैं नेटवर्किंग के कोर्स में स्टार्ट करने वाला हूँ। लेकिन फ़िलहाल आप स्विच को इसी ऐसे कंसीडर करें कि ये एक ऐसा डिवाइस है जिसके ज़रिए हम मुख्तलिफ कंप्यूटर्स जो है इसके साथ हम कनेक्ट करते हैं। इस पे मैंने डबल क्लिक किया और इसको मैंने ज़रा जूम इन करना है, आपको दिखाना है। ये आप देख सकते हैं कि इसका जो बैकएंड इंटरफेस है, इसमें हमारे पास 24 पोर्ट्स है, 1, 2, 3 से लेकर 24 तक पोर्ट्स है इसके अंदर। तो इस पोर्ट्स के ज़रिए हम कंप्यूटर जो है केबल के ज़रिए हम कनेक्ट करते हैं। तो ये जिसको हम कहते हैं ईथरनेट पोर्ट्स, इसके ज़रिए हम सारे केबल्स जो है कनेक्ट करते हैं, और यानी कंप्यूटर जो केबल है वो हम कनेक्ट करवाते हैं, साथ साथ इसके साथ हम कंप्यूटर जो है वो रखते हैं, ठीक है। तो ये स्विच का एक बेसिक बैकग्राउंड इंटरफेस है। स्विच को आपने देख लिया, अब इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो उसको मैं जूम आउट करता हूँ, उसको इंटरफेस को मैं ख़त्म करता हूँ। अब मैंने एक दो कंप्यूटर्स लेने, दो कंप्यूटर मैंने ले लिया और यहाँ पर इसके साथ एक स्विच, एक ये कंप्यूटर, ये दूसरा कंप्यूटर, जिस तरह मैं रियल लैब बना रहा हूँ इसी तरह मैं पैकेट ट्रेसर में भी बनूँगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ मैं पांच कंप्यूटर लूँगा और मेरे पास पांच कंप्यूटर्स नहीं है। मैं वो काम करता हूँ जो ज़्यादातर बेसिक हो। यहाँ पर मैंने एक केबल ले लिया क्रॉस स्ट्रेट और यहाँ पर मैंने क्लिक किया और इसके साथ मैंने कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिया। इसी तरह मैंने इसके साथ भी कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिया। लेन हमारे पास एक वायर्ड होता है, एक वायरलेस होता है। लेन हमारे पास, इसको हम कहते हैं वीलेन। जो वायरलेस हो उसको हम कहते हैं वीलेन, और जो ऑन प्रेमिसेस हो, जिस केबल के ज़रिए कनेक्टिविटी हो, उसको हम कहते हैं फिज़िकल लेन, ठीक है। तो अब जो मैंने वायर्स कनेक्ट किए, ये डिवाइसेस जो है आप इसमें एक दूसरे को नहीं पहचानते, तो इसको हमने आईपी एड्रेस देना है। आईपी एड्रेस एक ऐसा टॉपिक है जो आने वाले है वीडियो में, इंशाल्लाह मैं वो समझाऊंगा कि आईपी एड्रेस क्या है, उस पर हम मज़ीद बात करेंगे। लेकिन आईपी एड्रेस यूनिकली आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ डिवाइस, डिवाइस को एक यूनिकली आइडेंटिफाइड करता है एक नेटवर्क पर, ठीक है। यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी स्टैंड फॉर, ओके। तो ये एक पीसी है, इसका आईपी एड्रेस है 192.168.20.1, ये इस कंप्यूटर का है, और इस कंप्यूटर का है 192.168.20.1
68.20.2, ठीक है, ये आईपी एड्रेसेस मैंने दे दिया, या इसको वन कर दे सिंपल और इसको क्या करे टू कर दे, तो आप इसको इंटरचेंज कर सकते इस तरह से। ये मैंने टू कर दिया सेकंड कंप्यूटर और ये मैंने वन कंप्यूटर कर दिया। अब इसको हम कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे, इस पर डबल क्लिक करें, यहाँ पर आपके सामने डेस्कटॉप पे क्लिक करें और डेस्कटॉप पे आईपी कॉन्फ़िगरेशन में आ जाए और ये आईपी यहाँ दे दे 192.168.20.1, इसका सबनेट मास्क बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। तो मैंने ख़त्म कर दिया, दूसरे कंप्यूटर में आ जाए, यहाँ पर आ जाए और इस पे क्लिक करें 192, इसी तरह से साफ कर सकते हैं 192.168.20.2, ये मैंने सेकंड सेम नेटवर्क पे ये मैंने कर दिया। ओके अच्छा, अब ये डिवाइस कॉन्फ़िगर हो गया, ये नेटवर्क जो है कॉन्फ़िगर हो गया। अब जब मैं पैकेट यहाँ से ले लूँ, इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर तक मैं सेंड कर दूँ, तो जब भी मैं इसको स्टार्ट करूँ तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये क्या करेगा, ये स्टार्ट हो जाएगा। अब ये इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले, ये देखिए ये पैकेट इस यहाँ से चला गया और वहाँ तक पहुँच गया, ठीक है, यानी आपका जो मकसद है वो कंप्लीट हो गया। यानी इसी तरह हम रियल एनवायरनमेंट में कैसे करेंगे, मेरा जो एनवायरनमेंट है वो है हाइपर वी एनवायरनमेंट। मैं हाइपर वी के अंदर दो वीएम्स मैंने बनाए हुए, दो वीएम्स मैंने इंस्टॉल किए हुए, इस पर मैंने पिछला लेक्चर दिया हुआ है आप लोगों को कि आपने एक वीएम को कैसे डिज़ाइन करना है, ठीक है, एक वीएम को कैसे बनाना है। तो इस पे मैं अभी आता हूँ, यहाँ पर हमारे पास एक है हाइपर वी मैनेजर, ये एक फीचर है आप लोगों ने इनेबल करना होगा, इस पर भी वीडियोस बनी हुई है। और यहाँ पर मेरे पास दो वर्चुअल मशीन है, एक है विंडोज 10 का और दूसरा है विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम का। लेट सपोज मेरे पास एक लैब है और इसको मैंने क्या किया स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो लैब को मैंने दो कंप्यूटर उसके अंदर रख दिए। अब वहाँ उसके लिए स्विच की ज़रूरत होगी, लेकिन मेरे पास तो यहाँ कंप्यूटर यानी मेरे घर में या मेरे साथ स्विच नहीं है। तो यही फ़ायदा है हाइपर वी का कि आपको फिजिकल डिवाइस एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर के शेप में दे सकता है और आप उससे वो फ़ायदा ले सकते हैं। अगर आपके पास फिजिकल डिवाइस नहीं है तो आप यहाँ एक स्विच को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, एक स्विच को आप यूज़ कर सकते हैं, आप अपना एक प्रैक्टिस के लिए आप अपने मकसद पूरा कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये एक हाइपर वी ए ऑन हो गया, ये दूसरा मैं ऑन करने जा रहा हूँ, इसको भी मैंने कनेक्ट करना है ताकि दोनों वीएम्स जो है वो मेरे सामने ओपन हो जाए, क्लियर। ये भी मैंने स्टार्ट कर दिया और वो भी मैंने स्टार्ट कर दिया, ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि ये वीएम्स है तो वीएम्स हमेशा टाइम लेता है और डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर पे। तो फिर भी आप लोगों को इस बात का अंदाज़ा होगा कि हम जब नॉर्मल कंप्यूटर भी ऑन करते हैं तो वो दोनों मतलब सही तरीके से ऑन प्रॉपर ऑन होने में थोड़ा टाइम लेता है। तो ये दो वीएम्स हैं, वीएम्स में इसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे ये हम देखेंगे। अब ये कह रहा है कि इसको कनेक्ट कर दे, तो ये हम प्रॉपर ऑन करने जा रहे हैं। सो यू विल सी, ये देखिए ये वाला कंप्यूटर ऑन हो गया, इसको मैं पासवर्ड देता हूँ, ये भी प्रॉपर ऑन हो गया। अब ये दूसरा कंप्यूटर जो है इसको भी मैं पासवर्ड देता हूँ, ये भी प्रॉपर ऑन हो जाएगा। बोथ आर ऑन, देखिए ये वाला प्रॉपर ऑन हो गया और ये दूसरा भी प्रॉपर ऑन हो गया। तो मेरे पास दो कंप्यूटर रेडी हो गए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके कुछ कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, पीसी यानी कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन पर करेंगे। देखिए मैंने पैकेट ट्रेसर में जो काम कर दिया ये काफ़ी आसान था, इसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ आईपी एड्रेस दे दिया और स्विच के ज़रिए मैंने दो कंप्यूटर्स कनेक्ट कर दिए। अब यहाँ मामला ज़रा चेंज है, यहाँ पर हमने कंप्यूटर्स की कॉन्फ़िगरेशन करने हैं। एक इसमें आप लोगों ने जब भी आप लोगों ने नेटवर्क बनाना हो तो इसमें आप लोगों ने एक काम करना होगा, एक काम ये करना होगा कि आप लोगों ने इसका जो फायरवॉल सिस्टम है वो बंद करना होगा, दूसरा काम ये करना होगा कि आप अपने सिस्टम को आईपी एड्रेस देंगे, तो तब ये दोनों काम जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब भी हमने आईपी एड्रेस देना है फायरवॉल को, जब हमने बंद करना है तो कैसे बंद करेंगे,
या आप कंट्रोल पैनल में जाए, वहाँ से भी आप बंद कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका समझाने जा रहा हूँ, वो ये है। आप लिखे FIRE WALL.CPL, CPL firewall.CPL, इस पर क्लिक करें तो आपके सामने वह फायरवॉल ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर आ जाए, फायरवॉल पे क्लिक करें और यहाँ से फायरवॉल को बंद कर दे। एक तरीका आप लेकिन ये भी सीख लिया कि एक फायरवॉल को हम कैसे टर्न ऑन और टर्न ऑफ कैसे कर सकते हैं। अगर आपने दोबारा ऑन कर रहा हो तो फिर इसी तरह तरीका करें और वापस आ जाए और यहाँ से ऑन कर दे। तो ये भी मैंने फायरवॉल को बंद कर दिया। अभी मैं चेक करता हूँ द सेकेंड वन पीसी, दूसरी पीसी का मैं देखता हूँ, जो मेरे सर्वर सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका मैं देखता हूँ। इसको फिलहाल मैं क्रॉस करता हूँ और यहाँ पर आता हूँ फायरवॉल, firewall.cpl, firewall.cpl मैंने कमांड दे दिया इसको। इसका फायरवॉल मैंने पहले बंद किया हुआ है और आप यहाँ से अब बंद कर सकते हैं। ये दोनों काम तो हो गया। अब करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर मैं आ रहा हूँ हाइपर वी मैनेजर में। हाइपर वी मैनेजर में आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहा है, वर्चुअल स्विच मैनेजर, इस पे आप क्लिक करें, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास, मैंने आपसे कहा था कि तीन तरह के स्विचेज हैं। एक है प्राइवेट स्विच। प्राइवेट स्विच हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर हम ज़रा इसको डिस्कस करते हैं। प्राइवेट स्विच को हम इसलिए इस्तेमाल करेंगे कि मेरे पास एक हाइपर वी मैनेजर है, उसके अंदर दो VMs मैंने रखे हुए हैं। ये VM to VM कनेक्टिविटी करेगा, यानी आपको जो फिजिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है, रियल ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो इस हाइपर वी के जो VMs है इसके साथ कनेक्ट नहीं हो सकेगा, क्योंकि ये मैंने प्राइवेट स्विच लिया हुआ है इसके लिए। तो आउटसाइड कनेक्टिविटी नहीं होगी, ना ही आप इसके साथ अपना इंटरनेट कनेक्ट कर सकते, और ना ही आप गूगल वगैरह ये सारे जो एक्सटर्नल वेबसाइट से आप इसको कनेक्ट नहीं कर सकते। इंटरनल मामला होगा ना, लैन है ना, तो लैन के अंदर हम क्या करते हैं, एक छोटा सा कमरा है, लैब है, ऑफिस है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक लैब बनाते हैं और आपस में हम अपने डेटा को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो इसको हम कहते हैं पेयर टू पेयर नेटवर्क। पेयर टू पेयर नेटवर्क का मतलब ये है कि हर इसमें हर सिस्टम खुद एक मतलब एडमिनिस्ट्रेटर होता है, हर सिस्टम का अपना इख्तियार होता है, ठीक है ना। ये डोमेन बेस नहीं है, सर्वर बेस सिस्टम नहीं है, उसको भी हम देखेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर एक प्राइवेट स्विच होंगे। जब भी आपने स्विच को कैसे क्रिएट करना है, तो क्रिएट पे क्लिक करें, यहाँ स्विच को नेम दे दें और यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन लिख दे और अप्लाई ओके कर दें, आपका स्विच बन जाएगा। मैंने ऑलरेडी एक स्विच बनाया हुआ है, मैं दोबारा नहीं बनाना चाहता, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए प्राइवेट स्विच के नाम से एक स्विच बना हुआ है जो मैंने ऑलरेडी डिज़ाइन किया, स्विच वर्चुअल स्विचेस, यहाँ पर मैंने स्विच बनाया हुआ है, ठीक है। तो स्विच ऑलरेडी बना हुआ है। अब हमने पहले स्विच को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना हो तो इससे पहले हम आईपी एड्रेस देंगे। क्या दे देंगे, आईपी एड्रेसेस। यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर नेटवर्क में आ जाए, ये वाला ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, इस पे आप क्लिक करें, ओके कर दें। और यहाँ पर नेटवर्क का जो ऑप्शंस है, एडाप्टर सेटिंग में आ जाए और यहाँ ईथरनेट पे आप राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टी में आ जाए। और साथ साथ देखिए यहाँ पर हमारे पास IP वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 को हमने सेलेक्ट करना है। यहाँ पर वर्जन 6 है, लेकिन उसको मैंने क्या करना है, फिलहाल उसको मैंने अनचेक करना है, आई डोंट वॉन्ट टू यूज़ वर्जन 6। तो यहाँ पर इस पर मैंने डबल क्लिक कर दिया और यहाँ पर मैंने यूज़ द फॉलोइंग आईपी एड्रेस। तो वो जो पैकेट ट्रेसर में मैंने आईपी एड्रेस दिया था, जो पैकेट ट्रेसर में मैंने लैब दिया था, वो लैब मैं यहाँ पर भी दूंगा, 192.168.20.1। ये मैंने फर्स्ट कंप्यूटर को दे दिया, ठीक है, ओके कर दिया और ये कन्फिगर हो गया। ये आईपी एड्रेस हम रियल कंप्यूटर को इस तरह देते हैं, ठीक है। ये पैकेट ट्रेसर वाला कंप्यूटर नहीं है कि बस डायरेक्ट डबल क्लिक करें और आ जाएगा, इसका सिस्टम ज़रा चेंज है। अब मैंने दूसरे कंप्यूटर में जाना है, जो विंडोज 10 है, सॉरी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको भी मैंने आईपी एड्रेस देना है। यहाँ पर मैं सर्वर में आ गया और सर्वर को मैं अभी आईपी एड्रेस देता हूँ। तो ओपन, राइट क्लिक, ओपन एंड सेटिंग पे मैंने क्लिक कर दिया। ये यहाँ पर मैं आ गया चेंज एडाप्टर ऑप्शंस पे। चेंज एडाप्टर ऑप्शंस पे मैंने राइट क्लिक कर दिया और यहाँ पर
मैं आ गया इसको, और आईपी वर्जन 4 को मैंने सेलेक्ट कर दिया। आईपी वर्जन 6 सेलेक्ट नहीं करेंगे, इस पे डबल क्लिक करें। और यहाँ पर मैंने एड्रेस ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन इसको मैं चेंज करूँगा 20.2, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। तो 20.2 इसको भी मैंने आईपी एड्रेस असाइन किया हुआ है, लेकिन अभी असाइन था ऑलरेडी, ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट असाइन नहीं था, ये मैं पहले दे चुका हूँ, उस वजह से यहाँ ये शो कर रहा है। अच्छा, तो ये तो हो गया, मैंने कंप्यूटर्स को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया ऑफिस में, लेकिन अब भी कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। ये क्यों पॉसिबल नहीं है, वजह ये, क्यों मैं आपको वजह बताता हूँ। यहाँ मैं हाइपर वी मैनेजर में आ गया, हाइपर वी मैनेजर में हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं स्विच को अब राइट क्लिक करूँगा इस वीएम के ऊपर, ये सिस्टम रनिंग में, तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक और सेटिंग में जाऊँगा, क्या करूँगा सेटिंग में, और यहाँ पर ये नेटवर्क एडाप्टर पे क्लिक करूँगा, और यहाँ जो मैंने आपको कहा था कि इसको कनेक्ट ना करें, ये कनेक्ट वाला ऑप्शन अभी हम इस्तेमाल करेंगे। मैं इन दोनों कंप्यूटर को किसके साथ कनेक्ट करने जा रहा हूँ, प्राइवेट स्विच के साथ, प्राइवेट स्विच के साथ मैंने ये कनेक्ट कर दिया, और इसको मैंने इनेबल कर दिया, और अप्लाई और ओके कर दिया। इसी तरह दूसरे कंप्यूटर्स के साथ भी करूँगा, सेटिंग में जाऊँगा, और उसके बाद मैं यहाँ नेटवर्क एडाप्टर पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पर प्राइवेट स्विच पे क्लिक करूँगा, और इसको अप्लाई करूँगा और ओके करूँगा। अब हमारे कंप्यूटर रेडी हो गए। अब देखेंगे कैसे, मालूम कैसे करेंगे कि हमारे कंप्यूटर्स जो है कनेक्ट हो गए या कनेक्ट नहीं हुए। इसके लिए हमारे पास एक कमांड है, विंडो आर बटन प्रेस करें और CMD आप लिख दें, CMD आप लिख दें। आप मेक श्योर कि आप कौन से कंप्यूटर से लॉगिन है, मैं जो हूँ 20.1 कंप्यूटर से लॉगिन हूँ, तो इसके लिए एक कमांड है आई, इसके लिए हमारे पास जो कमांड है PING पिंग आईपी एड्रेस 192। आपको अंदाज़ा है ये 192 हमने कौन से कंप्यूटर का, डेस्टिनेशन कंप्यूटर का, जिस कंप्यूटर को हम टारगेट करते हैं, 192.168.20.2। एंटर करें तो ये देख, यहाँ से हमारा जो पैकेट्स है वो रिप्ले क्यों नहीं देता, क्योंकि वहाँ मैंने ऑलरेडी यहाँ सिस्टम की आईपी एड्रेस गलत दे दी। लेट मी चेक इट, मैं कौन से सिस्टम में हूँ, मैं विंडोज़ 10 में हूँ, ठीक है, और इसका जो आईपी एड्रेस है 20.1, ट्राई करता हूँ। तो आईपी एड्रेस हमने दे दिया, वहाँ कुछ काम नहीं कर रहा था, अब देखते हैं कि काम करता है कि नहीं, हम चेक करेंगे। यहाँ पर मैं आ गया विंडो प्लस आर बटन, मैंने CMD क्लिक किया। आपको कैसे अंदाज़ा होगा, यानी कैसे पता चलेगा कि मेरे इस सिस्टम का आईपी एड्रेस क्या है, तो इसके लिए हम एक कमांड यूज़ करते हैं, आईपी कॉन्फ़िग। ये देखिए आपका जो आईपी एड्रेस है ये है, इस कंप्यूटर का जो आईपी एड्रेस मैंने दिया था वो 20.1 है, 192.168.20.1। अब मैंने 20.2 वाला कंप्यूटर को देखना है कि वो मुझे रिप्ले देता है या नहीं देता, फिर मैं दूसरे कंप्यूटर से 20.1 चेक करूँगा कि वो मुझे रिप्ले देता है या नहीं देता। तो मैंने पिंग कमांड हम यूज़ करेंगे, पिंग कमांड के ज़रिए हम ये चेक करते हैं, 192.168.20.1 है, मैंने 2 वाला चेक किया, जिस तरह इसमें मैं क्लिक करूँगा तो ये देख मुझे रिप्ले देता है। तो जैसे ही मुझे रिप्ले मिल गया, इसका मतलब है मेरा सिस्टम ठीक है, मेरा जो नेटवर्क बन गया, मेरा जो कम्युनिकेशन है वो ठीक चल रहा है, ठीक है। अब दूसरे कंप्यूटर से मैं चेक करता हूँ, ये तो मैंने इस कंप्यूटर में दे दिया, और इस कंप्यूटर में मैं चेक करता हूँ विंडो प्लस आर CMD, और इसका आईपी चेक करता हूँ। ये ज़रूर चेक किया करिए, आदत बना लें कि जब भी आपने किसी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में या रियल टाइम काम करेंगे तो ये जो कमांड है ये आप ज़रूर याद रखा करें। तो ये मैंने दे दिया, तो ये 20.1 वाला है, और मैं दोबारा उसी पे आ गया, मैं जाना है दूसरे कंप्यूटर पे, ठीक है, ये शायद मैंने इसको क्रॉस कर दिया, बट हमारा सिस्टम जो है वो चल रहा है, क्लियर। यानी रिप्ले मुझे मिल गया, तो मैं डायरेक्ट करूँगा 192.168.20.2, क्लिक किया, ये कह रहा है कि आपका सिस्टम जो है वो मैंने क्रॉस कर दिया गलती से, समझ
सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में आ गया, विंडो आर सी एम डी कमांड में अप्लाई करूँगा। यहाँ पर इसका मैं आईपी चेक करूँगा, आईपी कॉन्फ़िगरेशन चेक हो गया, इसने मुझे आईपी बता दिया। ये कह रहे कि आईपी एड्रेस इसका 5 है, इसमें चेक करता हूँ आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेसेस में ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकते हैं, आप लोगों ने आईपी एड्रेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा और उसके बाद सिस्टम काम करेगा वरना नहीं करेगा। तो ये 20.2 है, इसको मैं दोबारा ये आईपी असाइन करता हूँ 192.168.20.2। तो ये मैंने आईपी एड्रेस अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया एंड देन ओके। अब लेट्स चेक विंडो आर सी एम डी आई पी सी ओ एन एफ आई जी आई पी कन्फेग। ये देखिए इसने आई पी एड्रेस मुझे सही बता दिया। अब मैं फर्स्ट वाला जो कंप्यूटर है .1 वाला जो कंप्यूटर है उसको टारगेट करता हूँ कि वो मुझे रिप्लाई देता है कि नहीं। पी आई एन जी 192.168.20.1, यहाँ से मैं वन कंप्यूटर, तो ये देख वन कंप्यूटर से भी मुझे रिप्ले आ रहा है। तो इसका ये मतलब है कि हमारा जो लैब है प्राइवेट स्विच के साथ हमने कनेक्ट कर दिया। अगर मैं अपने कंप्यूटर, मेरा जो फिज़िकल कंप्यूटर है ये वाला कंप्यूटर, ये मेरे साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकता क्योंकि ये प्राइवेट स्विच का फंक्शन है कि वो VM to VM कनेक्टिविटी करेगा। इस तरह तो थ्योरीज़ वगैरह तो आप लोग बहुत सारे देखेंगे लेकिन थ्योरी में आप लोग डायरेक्ट नहीं समझेंगे, जब तक आप किसी काम को प्रैक्टिकल ना करें तो तब तक आपको समझ नहीं आएगा। सो ये था हमारे पास हाइपरवी में प्राइवेट स्विच के बारे में। मैंने आपको बता दिया कि हम VM to VM यानी एक वर्चुअल मशीन्स का हम नेटवर्क आप इसमें कैसे बना सकते हैं। इस तरह 10 VM आपके साथ, जितनी भी VMs है सारा प्रोसीजर ये है। सो तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, इंटरनल स्विच के वीडियो में मैं आपसे मिलूँगा।